Assalamualaikum viewers, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। आज जी हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबी वेट क्रीम के बारे में। मेरी बहनें इसको लेकर इतनी कुछ ज्यादा क्रेजी हैं और उनको इतनी कोई पसंद है ना कि मैं बता नहीं सकती। और इससे मुतालिक अभी तक मुझे इतने कोई कॉमेंट्स मौसूल हो चुके हैं ना कि गिनती करना मुश्किल है। इंस्टाग्राम पर भी जब मैंने अपने व्यूवर से इस क्रीम के मुतालिक पूछा तो मुझे सैकड़ों रिप्लाईज आए जिनमें लोगों ने अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन सबसे पहले सुनाई देती हूँ आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस क्रीम से मुतालिक। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी एक बहन ने मुझे भेजी थी अपनी फीडबैक कि इसको किस चीज के अंदर मिलाकर वो यूज करती रही हैं और अब उनके हाथ पांव हो गए हैं गोरे चिट्टे। सो यार तसल्ली से मेरी वीडियो को हैंड फ्री लगाकर सुन लीजिएगा और अगर आपके कमरे में शोर हो रहा है ना तो उठकर किसी दूसरे कमरे में चले जाइए ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हाँ जी, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये वाली शर्ट वेयर की हुई थी तो मेरी बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स करके पूछा कि आपने जो पहना हुआ है सूट वो दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, ये जो मिक्स का कपड़ा है जी, गर्म कपड़ा फैब्रिक, लास्ट ईयर मैंने ये ली थी लोकल मार्केट से 1500 से 2000 की रेंज में और ये आगे इसके टसल्स लगे हुए हैं। गला कुछ इसका इस तरह से दिखता है और ये बैग स्टाइल में है, ये देख लें आप लोग। और मुझे ये स्मॉल में नहीं मिली थी, मीडियम में मिली थी लेकिन खैर मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ले लिया था। और ये इसका दामन है, ठीक है जी, ये गोल घेरे में है इस तरह से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक दफा का जिक्र है, जब मैं कॉलेज गोइंग थी उस वक्त मेरे फेस पर व्हाइट कलर के पैचेस पड़ गए थे जो कोई इतने अजीबोगरीब लगते थे ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे आकर कहने लगी थी कि भाई मछली खाकर ऊपर से दूध पी लिया क्या। तो मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास चली गई, उन्होंने मेरा चेकअप किया और साथ में मुझे ग्लोबी वेट और एक लोशन प्रिस्क्राइब कर दिया। मैंने घर आकर ग्लोबी वेट लगाना शुरू कर दी। 4 से 5 रोज ही गुजरे थे कि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई और छिलकों की सूरत में उतरना शुरू हो गई, मतलब खुश्की से स्किन को खिंचाव पड़ने लगा। इसीलिए तो डॉक्टर ने साथ में मुझे एक लोशन दिया था जिसमें SPF भी था और वो मॉइस्चराइजर भी था। लेकिन लोशन की मॉइस्चराइजेशन इस क्रीम की ड्राइनेस को कम किसी भी सूरत नहीं कर पा रही थी। व्हाइट पैचेस तो चले गए लेकिन मेरी नाक की स्किन इतनी ज्यादा पतली और थिन हो गई थी कि ऊपर छोटे छोटे से डार्क स्पॉट छोड़ गए, जो अभी भी आप लोगों को क्रीप करके दिखाऊं तो जब मैं अपनी स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करती तो वो फिर से नमूदार हो जाते हैं। अब जी आपकी बहन ने क्रीम का इस्तेमाल छोड़ दिया और वापस डॉक्टर के पास दौड़ी दौड़ी गई कि भाई ये इस तरह के निशानात क्यों पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर ने बड़े फनी वे में कहा कि आपका मसला तो व्हाइट पैचेस का नहीं था, वो तो खत्म हो गए ना। और मैं ऐसे देख रही थी डॉक्टर को। एक चीज गई तो दूसरी आ गई ना, उन्होंने मुझे एक और क्रीम लिख दी जो कि 2500 की थी। खैर जो मैंने क्लिनिक से बाहर निकलती वो पर्ची वहीं पर फाड़ कर फेंक दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इस क्रीम को लगाने के बाद हो सकता है कि ये वाला प्रॉब्लम तो हल हो जाए, कोई नया स्यापाई ना गल पड़ जाए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये सबक हासिल हुआ कि इस क्रीम को अगर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं तब भी इसे डायरेक्ट अपने फेस पर यूज मत कीजिए, इसे किसी दूसरी क्रीम के अंदर डाइल्यूट लाजमी कीजिए। मतलब कहने का यह है कि किसी दूसरी क्रीम के अंदर इसको थोड़ी सी मिकदार में ऐड कीजिए, जैसे कि फेयर लवली है उसके अंदर ऐड कर लीजिए और लगाइए। लेकिन इसका मुसलसल इस्तेमाल फिर भी नहीं किया जा सकता, 1 या 2 दिन के वक्फे के साथ कीजिए क्योंकि ग्लोबोवेट क्रीम स्टीरॉयड की फॉर्मुलेशन है, जैसे कि इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। इसके बाद दूसरा प्रिकॉशन ये है कि ये एलर्जी मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रीम है, इसे शौकिया तौर पर इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। दूसरी बात, आजकल फार्मूला क्रीम्स में ग्लोबीवेट, बेटनोवेट, फ्लैट्रो जिसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, इसके अलावा हेड्रकिन प्लस और ट्रायमेलासिन वगैरह शामिल हैं जिनको बहुत सारी फार्मूला क्रीम्स के अंदर ऐड करके दिया जाता है। और जिस शॉप पर भी चले जाना शॉप वाला कहता है बाजी जरा उरे आओ, दोनों ऐसा फार्मूला क्रीम बना के देवांगे कि 3 दिन के अंदर अंदर दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे, हाथ पैर पूरा जिस्म चिट्टा। सो इस तरह की क्रीमों को बनाने में बहुत बड़ी मिकदार स्टीरॉयड क्रीमों की ऐड की जाती है जो वक्ती हथेली पर सरसों जमाने वाला काम करती है और आप लोगों को रिजल्ट देती है। चलो फर्ज कर लो कि अगर उस तरह की क्रीमों को बनाने के लिए स्टीरॉयड क्रीमें यूज ना भी की जाए तब भी उनके अंदर मर्करी बेस्ड क्रीमों को ऐड कर दिया जाता है जो कि आपकी स्किन को तहस नहस करके ही छोड़ती हैं। तीसरी बात, मेरी बहुत सारी बहनें अक्सर आकर कमेंट्स में मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप ही हमारे फेस पर फ्रेकल्स आ गए, पिगमेंटेशन आ गई, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं फौरन जाकर उनसे पूछती हूँ क्या आप फार्मूला क्रीम तो यूज नहीं कर रही, और आगे से उनका जवाब आता है यस कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बाजियों, अगर आपके फेस पर फार्मूला क्रीम यूज करने से फ्रेकल्स आए हैं तो ये जाएंगे भी फार्मूला क्रीम के यूज करने से ही। लेकिन ख्याल रखने वाली बातें तो ये हैं कि सबसे पहली गलती तो हम लोग खुद कर रहे होते हैं कि धूप में फार्मूला क्रीम लगाकर बिला धड़क चले जाते हैं, बहुत ही ब्रेव है भाई हम लोग, यही सबसे बड़ी गलती होती है। बल्कि अगर आप लोगों ने फार्मूला क्रीम यूज की हुई है तो आप चूल्हे पर किचन में भी नहीं जाया कीजिए क्योंकि फ्रेकल्स आने की सबसे बड़ी वजह ही यही है। अगर आप लोगों ने फार्मूला क्रीम ही यूज करनी है तो क्रीम का इस्तेमाल रात को करें, सुबह उठकर सनब्लॉक लगाएं, और अगर आप में से कोई जॉब करती है मेरी बहन तो अपने फेस को अच्छे तरीके से ढांप कर अपने काम वाली जगह पर जाएं। दूसरा, इन फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल अपने हाथों और पैरों तक ही महदूद रखें, अपने फेस पर लगाने से अवॉइड करें। अगर आप फार्मूला क्रीम्स काफी अरसे से यूज कर रहे हैं तो अचानक से इसे मत छोड़िए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। सपोज अगर आप दिन में 2 दफा फार्मूला क्रीम अपने फेस पर लगा रहे हैं तो आप उसे 1 टाइम पर ले आइए और इसी तरह से अगले महीने से उसे 1 दिन के वक्फे से इस्तेमाल कीजिए और फिर इसी तरह से 4-6 महीने तो लगते हैं छोड़ते छोड़ते। और खाली दिनों में अपनी स्किन को नेचुरल चीजों का
आदि बनाएं। सब्जियों से बनी होम रेमेडीज और फ्रूट मेड या हर्बल जड़ी बूटियों से बनी रेमेडीज यूज करके अपनी स्किन को न्यूट्रिएंट्स फराहम करें ताकि वो जवान दिखे और सेल दोबारा रिपेयर होकर स्किन को हील करें। चौथी बात, अगर मुझसे कोई राह चलते ये पूछे कि मैमूना व्हाइटनिंग के लिए क्या हम क्लोबिवेट यूज कर सकते हैं तो मेरा मुख्तसरन जवाब होगा नो। लेकिन मेरे पास जो लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रिसीव हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी सूरतें निकाली जा सकती हैं जिनमें उन्होंने इसे यूज किया और बेनिफिट लिया। सो कंक्लूजन ये है कि साइट पर दिखने वाली तमाम क्रीमों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टेरॉइड पाए जाते हैं और ये स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन खैर इसे सिर्फ इलाजी मकासद के लिए ही यूज कीजिए ना कि शौकिया। फार्मेसी वालों ने इसे सरेआम बेचने पर भी पाबंदी लगा रखी है, जिस तरह से नशे की दवाइयों को सरेआम नहीं बेचा जाता। लेकिन उसके बावजूद मेरी बहुत सारी बहनों ने इंस्टाग्राम पर आकर ये कहा कि हम इसे बहुत लंबे अरसे से यूज कर रहे हैं आप ही और हमें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इस क्रीम के रिलेटेड काफी सारे फोटोज रिसीव हुए, लोगों ने इसके रिजल्ट शेयर किए और बताया कि हम इसे यूज कर रहे हैं। उन्हीं में से मैंने एक व्यूअर को चुना जो कि मुझे ऑथेंटिक लगा और मैं उन्हें पर्सनली भी जानती हूँ। वो इस क्रीम को काफी टाइम से यूज कर रही है अपने हाथों पैरों के लिए। मैंने उनसे कॉल पर भी बात की और काफी लंबी बात की। इसके अलावा वॉइस नोट्स भी उन्होंने मुझे सेंड किए जो कि यहाँ पर मैं चला नहीं सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। और वो कहती हैं जी कि मैं इस क्रीम को पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3 साल से यूज कर रही हूँ, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। और ये है कि पहले हाथ जैसे नहीं होते, लाइक सांवले भी नहीं कह सकते और काले भी नहीं कह सकते, बस सही थे, लेकिन इस तरह फेयर नहीं थे। लेकिन इनको इसको लगाने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी होती है क्योंकि इसमें ग्लाइसरीन होती है ना, तो वो मतलब फटाफट अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। मतलब ज़्यादा लगाओ ना फिर वो जज़ब नहीं होती स्किन में, तो बस रात को ना लगा के सो जाओ आप अच्छी तरह, थोड़ी सी लेके हाथों और पैरों पे। और इसका मुझे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई भी नज़र आया, 3 साल हो गए, मैं तो बस रेगुलर लगा रही हूँ। लेकिन ये एक बीच में छोड़ भी देती हूँ, मतलब कि कोई एक आध महीना छोड़ दिया, मतलब क्रीम नहीं मिली, कोई लाने वाला नहीं था, कभी वाइटनिंग कैप्सूल नहीं मिले, तो 2-3 महीने छोड़ भी देती हूँ, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसका। बस ये है कि जब लगाते रहो तो कलर काफ़ी फेयर रहता है, मतलब बहुत हो जाता है, और तकरीबन 1 हफ्ते में ही। उन्होंने रिसेंटली इसे दोबारा तैयार किया है और यहाँ पर फोटोज भी शेयर किए हैं जो कि स्क्रीन पर मैं चला दूंगी। अपने हाथों पैरों के फोटोज भी शेयर किए हैं, वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको बनाने की रेमेडी भी मैं यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ, आप वीडियो को रोक कर रेमेडी पढ़ सकते हैं। इस फार्मूला क्रीम को घर पर बनाने के लिए ग्लिसरीन और व्हाइटनिंग कैप्सूल इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि ये स्किन को एक्सट्रीम लेवल तक ड्राई कर देती है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये क्या करेगी, ग्लिसरीन और जो कैप्सूल्स होंगे एज अ मॉइस्चराइजर वर्क करेंगे इस क्रीम के अंदर और ये इसके अंदर अच्छे तरीके से डाइल्यूट भी हो जाएंगे। सो जी, इसे सारे यूज भी कर रहे हैं और बुरा भी कह रहे हैं, हत्ता कि अगर मैं भी इसे यूज कर रही होती तो यहाँ स्क्रीन पर आकर कभी भी इसे रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ऊपर लेबल लग जाना है कि आप स्टेरॉइड प्रमोट कर रही हैं। मैं अपना दामन बचाकर इस वीडियो से निकल रही हूं इसी मैसेज के साथ कि ये एक स्टेरॉइड है। शुरू शुरू में रिजल्ट्स दे भी देगी लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होंगे, स्किन को पतला कर देती है और वेंस नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इसको लगाते रहने से बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। जिसने भी यूज करनी है अपनी जिम्मेदारी पर या फिर डॉक्टर के मशवरे से यूज कर सकता है। और चेहरे पर तो कभी भी यूज मत करें, हाथों पैरों की हद तक तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है लेकिन फेस पर इसे मत यूज कीजिए वरना आपका फेस इसके नशे का आदि हो जाएगा जो कि अच्छी बात नहीं है। सो जी, किसी भी किस्म का सवाल हो इस क्रीम से रिलेटेड तो कमेंट्स में आकर लाजमी पूछेगा क्योंकि आजकल मैं बहुत एक्टिव हूं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूं। ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा आपकी बहन को। और अगली वीडियो किस मुतालिक होनी चाहिए बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।